और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, कलवारी रामपुर का ये इलाका। और बाढ़ से किस तरह के हालात हैं, दूर तक अगर हम नजर डालें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लगी हुई लहलहाती फसलें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। घाघरा नदी, जो सरयू नदी के नाम से जानी जाती है अलग अलग इलाकों में, लेकिन अगर राजस्व विभाग की ओर से इसे सरयू नदी के नाम से ही जाना जाता है, दूर तक अगर हम देखें तो यहाँ पर वो लोग भी हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। और अगर बात करें बस्ती जिले की ही, तो इस बस्ती जिले में ही 1 लाख से ज्यादा की ऐसी आबादी है जो इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस तरह से राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए राहत सामग्री जरूर पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो अभी भी नाकाफी है, क्योंकि दूर तक के अभी भी लोग इस तरह से कुछ टेंट लगाए हुए हैं। अगर हम दाई ओर देखें तो यहाँ पर इसी नदी के किनारे ही लोगों के टेंट लगे हुए हैं। अभी भी कुछ गाड़ियां जो प्रशासन की ओर से आ रही है, वो इस बात का इंतजार कर रही है कि यहाँ कुछ और बेहतर व्यवस्था उन्हें मिल सके। कुछ लोग जो यहाँ पर हैं मौजूद, वो अभी अपने घर गृहस्थी के सामान को ही सहेजने में लगे हुए हैं, इससे पहले कि बच्चे अपने स्कूल को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। उन्हें अपने जीवन की भी चिंता है। हालांकि इसी बस्ती जिले का दौरा मुख्यमंत्री ने अभी एक दिन पहले ही किया था, और जिस तरह के हालात उन्होंने देखे, उन्होंने चिंता भी जताई थी। खुद उन्होंने ये आंकड़ा जाहिर किया था कि 1 लाख से ज्यादा की आबादी यहाँ की प्रभावित है। और ऐसे में ये सबसे खास बात कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बस्ती ही नहीं बल्कि कई और ऐसे जिले हैं जो लगातार प्रभावित होते चले जा रहे हैं, और कुछ ऐसा ही हाल देखा जा रहा है बाढ़ से गोंडा जिले में भी। लगातार यहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है और बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानियां और बढ़ती चली जा रही है। गोंडा जिले में कर्नलगंज में, तरबगंज में, सदर तहसील में इसी तरह से बाढ़ प्रभावित कई लोग हैं। तकरीबन 146 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। दूर दूर तक अगर हम नजर डालें तो बाढ़ से इसी तरह की तकलीफ लोगों की दिखाई देती है। इस पूरे गोंडा जिले में अगर हम देखें तो 27 बाढ़ चौकियां बनाई गई है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। और ये एक बड़ी बात है कि ना सिर्फ गोंडा जिले में बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के ऐसे कई और इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जो लगातार इस तरह से प्रभावित हैं। हमसे मिले कोई नहीं, बांधपुर से सब लौट गया। अच्छा, गांव के अंदर कोई नहीं गया, कोई नहीं घुसा है। तो फिर खाने पाने की व्यवस्था और जानवर रहते हैं इनकी? अरे सर, बहुत बड़ा संकट है, क्या किया जाए। प्रशासन द्वारा यही नहीं हुआ, तीसरा दिन पानी आया हुआ, और सब लोग आते हैं बंधा से, यहाँ से लौट जाते हैं और गाँव हलते नहीं है, और कि तो गौरा स्कूल के तो यहाँ बंधा, और बंधा और पार टहल लेते हैं, फिर आप वापस चले आते हैं सर। कई जिले उत्तर प्रदेश के बाढ़ से इसी तरह प्रभावित हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, बाराबंकी में वो मौजूद हैं। अमित, जहां आप मौजूद हैं, किस तरह के हालात हैं, कुछ राहत की उम्मीद? देखिए, मैं बाराबंकी के प्रसादपुरवा गांव में इस वक्त मौजूद हूं, और मैं इस ऐसे लोकेशन पर मौजूद हूं कि अगर मैं इस गांव में अगर यहां नाव से उतर गया तो मैं यहां डूब जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, देखिए किस तरीके से जितने भी घर हैं इस गांव के वो डूबे हुए हैं, बाढ़ की चपेट में है। और इस तहसील की अगर पूरे हम बाराबंकी जिले की बात करें तो 135 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में है। इसी तरीके से जो गांव है घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी के तौर पे भी यहां पर जाना जाता है, घाघरा नदी या सरयू नदी दोनों का एक ही नाम है, तो उसके चपेट में कई गांव यहां पर हैं। कई लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेंगे कि क्या है कि यहाँ इस गाँव की तस्वीरें क्या क्या हैं। और मैं एक बार कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि वो एक बार पैन करके रवि पूरी तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से ये गांव बाढ़ की चपेट में है। दुर्गेश, कितने गांव जो हैं इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं? देखिए, बाराबंकी जनपद में 135 गांव है, 3 तहसीलों के, ये 3 तहसील है, फतेहपुर, रामनगर है, सिरोली गौसपुर है और रामसनई घाट है। आपका घर कौन सा है जो डूब चुका है? ये राधेलाल का हमारा घर है। ये सामने वाला आपका घर है? वो कब से पानी है आपके गांव? ये हो गया कम से कम आज 15-20 दिन पानी हो गया। 15-20 दिन? तो आप लोग कहाँ रह रहे हो, सड़क पे रह रहे हो? सड़क पे। राहत शिविर जो बनाएगी उसमें? हाँ, सड़क पे रह रहे हो? हाँ, वहाँ अपनी झुग्गी बना के वहीं पे रह रहे हैं। वहीं झुग्गी। आपका घर कौन सा है? वहाँ पे रह सर पक्का। ये वाला आपका घर है? जरा तस्वीरें दिखाइएगा रवि, इनके घर की जरा तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। तो आपके घर में भी इसी तरीके से पानी है 15-20 दिन? हाँ सर, पूरा पानी चढ़ गया था। पूरा पानी चढ़ गया। खाना वगैरह कैसे बन रहा है? रोड पे सर बनता है। रोड पे बनता है? और मवेशियाँ, जो कितनी मवेशियाँ थी आपके पास? जानवर सर एक बढ़िया थी, सब वही है बाहर? हाँ, बाहर सड़क पे।
तो दुर्गेश आलम इसी तरीके से बना हुआ लगातार। जी हाँ, यहाँ समस्या है, जैसे आपने पूछा कि इनका जानवर कहाँ है, तो उसके लिए चारे की समस्या, खुद के लिए खाने की समस्या है, तो आप सोचिए चारे की कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर है। बिजली आप जैसा देख रहे हैं यहाँ है नहीं, रात में सन्नाटा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, अगर सांप और कीड़े टाइप की चीजें घुसे हुए लोगों घरों में, अगर किसी को काटता है कोई, तो यही ले जाते उनकी हालत बिगड़ सकती है, बिगड़ सकती है। तो जनाब मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा उस घर के पास जाकर के किस तरीके से ये जो पूरा आसियाना है वो डूब चुका है। ये प्रसाद पूर्वा गाँव है और इसी तरीके से 135 गांव बाराबंकी में ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में है। और आलम यह है कि इस वक्त अगर हम इस पानी में उतरेंगे, बाढ़ के पानी में, तो हम ही डूब जाएंगे। कहीं 12 फीट, कहीं 14 फीट, कहीं 15 फीट, इस तरीके का पानी है गांव में। देखिए मैं जो ये जो जहां पर इस वक्त नाव चल रही है, ये सड़क हुआ करता था और यहीं से लोग गुजरते थे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये घरों की तस्वीर है जो मेरे नाव चालक हैं। बिल्कुल अमित, हम जो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, आप वहां बाराबंकी में मौजूद हैं और हम बस्ती जिले में मौजूद हैं। किस तरह से सरयू नदी उफान पर है, ये लोग जो लगातार एक छोटे पुल से छलांग लगाकर पहुंच रहे हैं, उनकी कोशिश है कि वो उन जगहों तक पहुंच सके। हमारी दाई ओर जहां दूर दूर तक फसले हैं, इसके पीछे ही उनके कई और ऐसे मकान हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बस्ती जिले में जिस इलाके में हम मौजूद हैं अभी, जबकि खतरे के निशान से 1 मीटर अब भी ऊपर बहती दिखाई दे रही है सरयू नदी, कई लोग अभी भी इस नदी के किनारे में अगर हम दूर तक देखें तो टेंट लगे हुए हैं और लगातार ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी इस सरयू नदी में इसी तरह से तैरकर पार करके अपने उन डूबे हुए मकानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई लड़के हैं ऐसे ही जो सरयू नदी में अभी भी ऐसे ही पुल से छलांग लगाकर वापस उसी तरफ जाने की कोशिश करते हैं जिस तरफ उनके मकान है। हालांकि सरयू नदी के दोनों ही तरफ इसी तरह से शरणार्थियों ने अपनी अपनी तरह से कैंप लगाया हुआ है और लगातार वो और बेहतर राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से ये तमाम लोग सरयू नदी के किनारे किनारे अभी भी राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जब 2 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे, उन्होंने इसी नदी के किनारे बने एक शरण स्थली में लोगों को राहत सामग्री बांटी थी। आज नाव के जरिए हम इस गांव को पार करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक जो छोटा सा पूरा रास्ता था, ये इस तरफ देखिए, मेरी बाईं तरफ देखिए, ये रास्ता भी अब पूरी तरीके से डूब चुका है। ये कुछ लोग हैं जो इस रास्ते से अगले गांव तक पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन ये रास्ता पूरी तरीके से डूबा हुआ है और इसीलिए कई लोग, अगर हम हमारे पीछे की तरफ देखें तो वहां अभी भी लोग इस तरह से तैर कर इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो टेंट लगा करके बस्ती जिले ही में ही नहीं बल्कि सरयू के किनारे किनारे बसे कई और ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हैं, वहां भी लोग इसी तरह से राहत के इंतजार में हैं। राहत दो तरह से, प्राकृतिक रूप से बढ़ी इस आपदा में कुछ कमी आए और जलस्तर नदी का घटे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से कुछ और बेहतर व्यवस्था उनके लिए हो सके। ये तमाम तस्वीरें दिखाती है कि इस तरह से जब अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड बारिश हो जाती है और अक्टूबर के महीने में अगर इस तरह से बाढ़ का आलम देखने को मिलता है तो ये ज्यादा तकलीफ वाली बात होती है, क्योंकि अक्सर बारिश के दिनों में तो लोग अपने अपनी तरह से तैयारी करते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि जब मानसून जाने वाला होता है तब तैयारियां कुछ और होती है, फसल की ओर उनका ध्यान होता है। लेकिन ऐसे में दूर दूर तक आप फसलें देखिए पूरी तरीके से डूब चुकी हैं।